दोस्तों हम लोग शांति कुंज से होके आ गए हैं यहाँ पे, और अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे भारत माता मंदिर है जो कि काफ़ी बड़ा है, कई मंजिल का है। तो अब यहाँ पे चलते हैं भारत माता मंदिर। हम लोग तो कई बार जा चुके हैं, ये पहली बार आए हैं, तो इनको दिखा देते हैं भारत माता मंदिर चल के, और आपको भी दिखाते हैं साथ में, ठीक है। तो लाइक करते रहिए। होने के बाद में अब हम लोग आ गए हैं विश्व सद्भावना मंदिर, ये दूसरा मंदिर है। फिर उसके बाद कई ऐसे साइड में एक के बाद एक मंदिर बहुत सारे हैं, तो हम जल्दी जल्दी से आपको दिखाते हैं। देखो सब शिवलिंग, नैना डरी थी एक बार बंदर बैठे बोले ना क्या फोटो खींचना मना है, लेकिन हम आपके लिए रिस्क उठा रहे हैं और यहाँ पे फोटो भी ले रहे हैं। ये है गुफा जहाँ से हम लोगों को प्रवेश करना है।
सब कुछ ऐसे इस तरीके से कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग गुफा के अंदर आ गए हैं और इस गुफे में जल भी है और यहाँ पे लाइट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉड लगे हुए हैं ये लाइट के लिए और ये है गुफा। हाँ हम लड़ गए यार। ये आप देख सकते हैं गाय के थन बने हुए हैं और यहाँ पे भोलेनाथ जी हैं। ठंडा बना रहे इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये भी चल रहा है और यहाँ पे एसी भी लगी है। जय अमरनाथ बाबा की। फिर से यहाँ इस मंदिर में हालांकि ये आर्टिफिशियल गुफा है लेकिन अच्छी लग रही है और रियल भी लग रही है। आर्टिफिशियल कैसे है आपको हम दिखाते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से बज रही है। ये देखो बाहर से उदाला भी आ रहा है इसमें और ये बजती है। आप देख सकते हैं ये माता की ज्योति जल रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अखंड ज्योति है। ये 1986 रविवार से प्रज्वलित है, 3 मार्च वर्ष 1986 तब से प्रज्वलित है ज्योति। सॉरी 9 मार्च। शालिग्राम का वैभव स्वरूप दर्शन कीजिए। ये गाइस यहाँ से अब चलचित्र मिलेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक से चलते हैं। जो भी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं वो इलेक्ट्रॉनिक के जरिए मूव करती हैं, तो वहाँ जाने के लिए उनके दर्शन करने के लिए हमें फिर से 5-5 रुपये का टिकट लेना पड़ा। पहले हम लोगों ने मोबाइल का एक टोकन लिया था अपना एक मोबाइल लाने के लिए और उसके बाद अब यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे चलचित्र हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे चित्र जो हैं वो चलते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। हालांकि कुछ कुछ शायद मशीनें ख़राब हो गई हैं तो मूव नहीं करते हैं कोई कोई चित्र, पर कुछ कुछ करते हैं। हम आपको फटाफट दिखा देते हैं क्योंकि ब्लॉग जो है बहुत बड़ा होता जा रहा है। is
आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हील्स बनी हुई हैं काफ़ी बड़ी। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये योग माया की कंस को देवकी के आठवें पुत्र के जन्म ले चुकने की आकाशवाणी हुई थी। तब का ये जो क्षेत्र उठा रहे हैं ये माया है जो कि गायब हो गई थी। और ये आप देख सकते हैं यशोदा मैया अपने श्री कृष्ण को अपने लल्ला को पालने में झुला रही हैं। गाइज ये व्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हम यहाँ से अब डायरेक्ट अपने रूम पे जाएंगे और जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।